इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसे देखकर आपको क्या लगता है कि इस मासूम से लड़के को नींद के लिए किसी मुलायम गद्दे की या किसी रेशमी चद्दर की या किसी एसी या पंखे की या किसी नींद की गोली की जरूरत होगी? नहीं ना, मैं इस लड़के को अपनी ऑफिस की खिड़की से रोज देखा करती हूँ। ये लड़का हमारे ऑफिस के सामने की ओर बैठकर रोज जूते पॉलिश किया करता है। मैं उसे बार बार खिड़की में से देखा करती हूँ। शाम को उसका पियक्कड़ बाप आकर उसे मार के उसके सारे पैसे छीनकर चला जाता है। वो रोता रहता है और वहीं रोते रोते उस पत्थर पे सिर रखकर सो जाता है। मुझे उस मासूम से चेहरे पर बड़ी दया आती है। मैं रोज सुबह ऑफिस आते समय उसके लिए बिस्किट लाती हूँ और दोपहर में वड़ा पाव और शाम को कभी कभी सैंडविच दे देती हूँ। वो खुश होकर खा लेता है और मुझे थैंक यू दीदी कहता है। मुझे भी एक अपनापन सा लगता है उससे, इसलिए मैं उसे मुन्ना कहकर बुलाती हूँ। मुन्ना बातों बातों में मेरे जूते भी पॉलिश कर लिया करता है और मुझसे पैसे भी नहीं लेता, मगर मैं जबरदस्ती उसको पैसे दे ही देती हूँ, ये कहकर कि अपनी मेहनत का पैसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और वो मुस्कुराता रहता है। मैंने उसे एक बार पूछा कि क्या तेरा मन नहीं करता दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाकर के पढ़ने का? जी दीदी, मन तो बहुत करता है स्कूल जाने का, मगर मुझे मेरे काम से फुर्सत कहा। अगर मैं स्कूल चला गया तो यहां सबके जूते पॉलिश कौन करेगा? ये सोच मैंने अपना इरादा बदल दिया। मगर हाँ, देखना दीदी, मैं भी आप ही की तरह एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आपके साथ ही शादी करूंगा और आपको रोज बड़ा पाव खिलाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती और मैं उससे कहती कि उसके लिए पहले तू बड़ा तो हो जा। और वो मुस्कुराकर कहता कि वो तो मैं हो ही जाऊंगा, आप देखती रहना दीदी। मैं हंसकर अपने हाथों से उसके बालों को बिखेरते हुए उससे कहती कि मुझे दीदी भी कहता है और मुझसे शादी की बात भी करता है, तू ना सच में पागल है। मुन्ना अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी दीदी। फिर एक दिन मुझे ऑफिस के काम से 5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। वो 5 दिन मुझे मुन्नी की और उसकी नादानी भरी बात रोज याद आ जाया करती। 5 दिन बाद जब मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस पहुंची, तब मैंने अपनी कार में से उतरते हुए देखा कि मुन्ना हमारे ऑफिस के सामने जहां रोज बैठता था वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। मैं भागती हुई पहले उधर गई। सबको हटाकर मैंने देखा तो मेरी सांसें ही रुकने लगी। मुन्ना जमीन पर लेटा हुआ था, उसके सिर से खून भी बह रहा था और उसका पियक्कड़ बाप उसकी जेब में से रुपए निकाल रहा था। मैंने गुस्से से उसके बाप को धक्का लगाया। फिर मैं मुन्ने को उठाकर डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को कहा कि जरा देखिए इसे क्या हो गया है, ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा और कुछ बोलता भी नहीं। डॉक्टर ने मुन्ना को चेक करके बताया कि आपने इसे यहां लाने में थोड़ी देर कर दी है, ही इज नो मोर, और लगता है इसने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं और इसकी चोट देखकर लगता है कि किसी ने इसे बहुत मारा भी है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। मुझे गिरते गिरते डॉक्टर ने संभाला और कुर्सी पे मुझे बैठाते हुए कहा कि आप बैठ जाइए और अपने आप को संभालिए, और पूछा कि ये लड़का आपको कहाँ मिला और ये आपका लगता क्या है? मैंने रोते हुए कहा, ये मुन्ना है जो मेरा कुछ ना होकर भी मेरा सब कुछ है, जो अब नहीं रहा। शायद मैं जरूरी काम से इतने दिन बाहर ना गई होती, शायद मैंने किसी को बोल दिया होता कि मेरे मुन्ने को रोज वक्त पे खाना खिला देना, शायद इसके बारे में मैंने पहले कुछ सोचा होता तो शायद आज ये मेरे सामने मेरे साथ वड़ा पाव खा रहा होता और मुस्कुरा के कहता थैंक यू दीदी, मगर अब ये एक सपना बन गया है मेरे लिए। तभी डॉक्टर ने कहा, आप इसका जिम्मेदार अपने आप को मत ठहराइए, ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, शायद ऊपर वाला भी यही चाहता होगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप शायद सच ही कह रहे हैं, अच्छा ही हुआ, वरना इसका बाप इसे रोज रोज मारता रहता, आखिर कब तक ये सहता रहता। चलो इस मार से तो इसे मुक्ति मिली। ये कहते हुए मैं उसे अपने हाथों से उठाकर वहां से ले गई और उसे अच्छे से दफना दिया। मुन्ना को गए हुए आज 6 महीने हो गए, लेकिन आज भी जब भी मैं हमारे ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे मुन्ना मुस्कुराते हुए दिखाई देता है और कहता है कि मैं भी एक दिन आप ही की तरह बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा और देखना आप इसे शादी करूंगा। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी मेरी नजरों से हटता नहीं, और आज भी मेरा मन यही कहता है कि काश उस दिन मैं काम से बाहर ना गई होती तो शायद मुन्ना यूं भूखा पेट ना रह पाता। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, मगर वो रिश्ता हमें उम्र भर याद जरूर रह जाता है।
तो बात सिर्फ 10 रुपए के बिस्किट, 10 रुपए का वड़ा पाव और 20 रुपए की सैंडविच की थी, जिससे किसी की भूख अगर मिट सकती है तो उस भूखे को रोटी खिलाना भी भगवान की पूजा के बराबर ही है। ये सोचकर हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे अनाथालय में दे देती हूँ। तो दोस्तों, भूख क्या होती है और रोटी की कीमत क्या होती है, ये एक गरीब के अलावा कोई नहीं जान सकता, जो एक रोटी के लिए पूरा दिन काम करते हैं और अगर वही रोटी उससे कोई छीन ले तो उस बच्चे की क्या हालत होती होगी, ये मैंने देखा है। तो फिर ये तो एक नन्हा फरिश्ता था जो किस्मत का मारा था, जिसे मैं शायद ही कभी भुला पाऊं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी को 2 वक्त की रोटी देने से किसी की जिंदगी बच सकती है और अगर वो देने वाले हाथ हम बन जाए तो शायद कोई गरीब लड़का यूं भूखे पेट कभी ना सोएगा और ना ही भूख से तड़प कर मरेगा। और इस नेक काम के लिए हमारे ऊपर भी एक हाथ है, वो भी कभी हमसे नहीं हटेगा, इतना मुझे पक्का यकीन है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाने के लिए। साथ